हर हर महादेव दोस्तों दोस्तों शिवरात्रि के पावन अवसर पर आप लोगों को सबको स्वागत है। दोस्तों शिवरात्रि पूरा साल भर में जितने भी शिव जी के फंक्शन होती है, पूजा होती है, ये पूजा सबसे बड़ी पर्व है साल भर में। गाइज मैं आज हूँ झारसुगुड़ा में और झारसुगुड़ा में आज बहुत सारे टेम्पल घूमेंगे और झारसुगुड़ा में बहुत बड़े बड़े टेम्पल है, जैसे झाड़ेश्वर एक है और पहाड़ी मंदिर है। मेरे को दो बड़े टेम्पल पता है, वहाँ पे आज हम जाएंगे, देखेंगे कितना भीड़ रहती है, कितना लोग रहते हैं, कितना श्रद्धा के साथ वो पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, वो सब देखेंगे। झारसुगुड़ा बस स्टैंड से पहाड़ी मंदिर 4 किलोमीटर दूर है। भोलेनाथ की पूजा के लिए यहाँ से कुछ सामान ले लेते हैं। गाइज ये देखो, ये है पहाड़ी मंदिर जाने का एंट्रेंस। भीड़ ज़्यादा है इसलिए पुलिस वहाँ से 100 मीटर दूर से भी तैनात है। और यहाँ पर बहुत सारे दुकान बाजार भी पड़ा है। भाई ये मेरे साथ है आकाश और उसका नाम क्या है? गौतम। आकाश और गौतम ये लोग मेरे को लेके आए हैं। इसका स्कूटी में आया, मेरे पास तो बाइक नहीं था। ये अभी पहाड़ी मंदिर मजा लग रहा है। हाँ। बहुत भीड़ भी जमा हुआ है, इतना भीड़ कहाँ पे भी नहीं होता है जो हमारे यहाँ पे होता है। आप भी आओ और मजा लो। ये जो मंदिर है इसका नाम है पहाड़ी मंदिर। और दूसरा इससे भी और एक बड़ा मंदिर है उसका नाम है झाड़ेश्वर मंदिर। लेकिन यहाँ पे कम से कम 100 मीटर की भीड़ लगी है अभी तक। गेट से यहाँ तक कम से कम 100 मीटर की भीड़ लगी है। कम से कम 300 से 400 लोग भीड़ में खड़ा है सिर्फ। तो गाइज अभी चलो मैं आपको मंदिर का व्यूज दिखाता हूँ और वहाँ पे कितना भीड़ है, कितना श्रद्धालु आए हैं पूजा करने के लिए, वो भी दिखाता हूँ। गाइज ये देखो, मंदिर परिसर में यहाँ पे टेंट लगाया गया है और यहाँ पे एक बोर्ड में लिखा गया है कि पहाड़ी मंदिर के नाम से बहुत सारे लोग डोनेशन मांगते हैं, आप उन फ्रॉड से बचे। शिवरात्रि के दिन यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ रहती है इसलिए पुरुष और महिलाएं दोनों के लिए अलग अलग लाइन बनाई गई है ताकि कुछ प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ पर मंदिर से 100 मीटर की दूर से सिर्फ लाइन लगी है। यहाँ पर एक मंडप भी है जहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हैं। पहाड़ी मंदिर दो देवताओं के मंदिर है, पहले में प्रभु भोलेनाथ और दूसरे में महावीर हनुमान। मंदिर के साइड में यहाँ पर लोग नारियल फोड़ रहे हैं और धूप लगा के दिया जला रहे हैं। और मेन मंदिर पे इतना भीड़ है, वहाँ पर तो हम जा नहीं पाएंगे, हमें यहीं पर दिया जला लेते हैं और धूप लगा लेते हैं। हर नाम लिखा लियो हर फल का।
मेन मंदिर के साइड में यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर है जहाँ पर शिवलिंग है, यहाँ पर भी भीड़ लगी है। मंदिर के पीछे भोलेनाथ के लिए यहाँ पे होमोग्नि टाइप का कुछ किया गया है सुबह सुबह, अभी खत्म हो गया है, अभी ऐसे धुआं निकल रहा है यहाँ से। गाइस ये देखो यहाँ पे कितना दिया जलाया जा रहा है। ये मंदिर का साइड में है पवित्र पेड़ है जहाँ पे बहुत सारे लोग दिया जलाते हैं। ये मंदिर का बैक साइड व्यू, शिव मंदिर में भीड़ लगी है लेकिन हनुमान मंदिर खाली है। चलो मैं आपको हनुमान मंदिर का दर्शन कराता हूँ। ये देखो पूरा बैक करके मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ मंदिर को आने के लिए ना, ये पहाड़ी मंदिर बहुत कम से कम 60-70 मीटर हाइट में है, ये 40-50 मीटर के हाइट में है, और उसको आने के लिए ना पूरा नीचे से सीढ़ी गया है। लेकिन ये जो ना ये शॉर्टकट है, शॉर्टकट रास्ते से आप यहाँ से भी जा सकते हैं। यह सीढ़ी टाइप का लगाया गया है पूरा नीचे से, और बहुत सारे पेड़ भी लगाया गया है खूबसूरती के लिए। गाइज ये पहाड़ी मंदिर का साइड में बहुत सारे पेड़ भी लगाया गया है, पूरा वर्टिकल टाइप का भी है वो पहाड़, और यहाँ पे बहुत सारे पेड़ भी लगाए गए हैं। लेकिन उनमें से जो मेन पेड़ है यहाँ पे, ये देखो ये है बेलपत्र, है बेल की पेड़ है ये। भगवान शिव की जब पूजा होती है बेलपत्र उसका मेन काम है। जो फूल लगे ना लगे चलेगा, लेकिन बेलपत्र चढ़ाना बहुत ही ज़रूरी है। और बेलपत्र अभी बहुत सारे साइंटिफिक बेनिफिट भी है, और उसको ऐसा नहीं है कि वो प्रसाद है उसको खाना है। बेलपत्र का बहुत सारे साइंटिफिक बेनिफिट है, इसलिए उसको हर दिन खाना चाहिए। ये देखो कितने सारे बेलपत्र हुआ है यहाँ पे, कितने सारे बेल के पेड़ हुआ है, जो कि एक तो शिव जी के पूजा के लिए यहाँ से जा रहा होगा, दूसरा जगह ढूंढना नहीं पड़ेगा। क्या हुआ है अंकल, क्या हुआ? टोई 5,000, 10 टोई 10,000, पूरे टोई के 20,000 बोलती कि ओनिया को दे। तो मैंने 10,000 दिया ना। हाँ अभी पहाड़ी मंदिर खत्म हो गया, अभी जाएंगे झाड़ेश्वर मंदिर, वो भी सबसे बड़ा अच्छा जगह है, वो भी अच्छा लगता है। अभी ये सारा हम बोल के खत्म कर दिए, अभी जा रहे हैं झाड़ेश्वर मंदिर जा रहे हैं। झाड़ेश्वर मंदिर जो है सबसे बड़ा मंदिर है झारसुगुड़ा का, ठीक है। चलो वहाँ पे मिलते हैं। 500 मीटर की दूर से हमको रोक दिया, वहाँ पे बाइक नहीं ले जा सकते। और ये देखो 500 मीटर की दूर से कितना दुकान बाजार भी पड़ा है यहाँ पे, मतलब इतना भीड़ रहता है इसलिए 500 मीटर की दूर से उसको रोका गया है।
वहाँ से गाड़ी एंट्री नहीं है, वहाँ 500 मीटर से दूर से वहाँ से चल के जाना पड़ेगा हमको। गाइस मंदिर के पास आसपास मैं पहुँच गया हूँ और यहाँ से 100 मीटर के दूर ही है, वहाँ से 400 मीटर में चल के आ गया हूँ और बहुत सारे दुकान बाजार भी पड़ा है यहाँ पे। स्टैंड है गाइस, झारसुगुड़ा की सबसे बड़ा मंदिर है, उसका व्यू चलो मैं आपको दिखाता हूँ, उसका व्यू कितना है, अच्छा आता है, कितना ऑसम आता है। यहाँ पे माइक बज रहा है इसलिए शायद मेरा साउंड आ नहीं रहा होगा, मैं आपको आपका व्यू दिखाता हूँ उसका। गाइस यहाँ पे टोटल 3 मंदिर है, ये साइड में एक छोटा सा मंदिर है, छोटा सा तो नहीं कहेंगे लेकिन मीडियम साइज का एक मंदिर है, उसके साइड में यहाँ पे एक बड़ा सा मंदिर है यहाँ, और उसके साइड में यहाँ पर और एक मंदिर है वहाँ पे। ऐसे माना जाता है कि अगर आप भगवान शिव से कुछ मांगना चाहते हैं तो आप नंदी के कान में बोलिए, वो बात डायरेक्ट भगवान शिव के पास पहुंच जाता है। दर्शन करके आते हैं यहाँ पर, शाम के टाइम में बहुत ज्यादा भीड़ रहती है इसलिए बांबू से लाइन बनाई गई है ताकि भीड़ कंट्रोल में आए। मंदिर के अंदर बहुत सारे फैन लगे हैं ताकि वेंटिलेशन हो और गर्मी से छुटकारा मिले। मंदिर के चारों तरफ में भगवान श्री कृष्ण की महिमा और उनसे जुड़ी बहुत सारे आर्ट बनाई गई है और बहुत सारे देवा देवियों की मूर्ति भी रखा गया है। मेन मंदिर ये है, मेन मंदिर के साइड में ये गणपति बाप्पा का मंदिर है। तो गाइस मेन मंदिर के पीछे जो था गणपति का मंदिर अभी मैं दर्शन कर लिया, मेन मंदिर के सामने में भी एक मंदिर है वहाँ, चलो मैं वहाँ पे दिखाता हूँ आपको।
खूबसूरत पेंटिंग भी किया गया है। ये महावीर जी की मंदिर है, यहाँ पे बहुत सारे दीप भी और वहाँ भी जलाया गया है। जय महावीर हनुमान की। आज महावीर मंदिर का चारों तरफ भी बहुत सारे देवता है, चलो मैं दिखाता हूँ आपको। तो गाइस यहाँ पर एक बहुत बड़ा पार्क भी है जहाँ पे लोग घूम रहे हैं। झाड़ेश्वर मंदिर के साइड में भी यहाँ पे एक पार्क है, भूख लग रहा है इतना जोर से। जो कोई भी झाड़ेश्वर मंदिर घूमने आता है वो इस पार्क में थोड़ा टाइम स्पेंड करता है, और यहाँ पे टाइम स्पेंड करने में थोड़ा अच्छा लगता है। और यहाँ पे बहुत सारा खूबसूरत व्यू भी है, एक हाथी है और जिराफ भी है, जिराफ की मूर्ति है, और एक पहाड़ टाइप का बनाया गया है जहाँ पे फोटोग्राफी आप कर सकते हैं। क्या चीज़ है? हाथी है। झाड़ेश्वर मंदिर के साइड में यहाँ पर एक मंडप भी है जहाँ पर शायद पूजा मुजा फंक्शन होती है, और रात में भजन कीर्तन के लिए यहाँ पर टेंट लगाई गई है। और रात में सबसे ज़्यादा भीड़ रात में होती है यहाँ पर, दिन में थोड़ा कम भीड़ रहती है लेकिन सबसे ज़्यादा भीड़ रात में होती है। मैं पिछली बार आया था यहाँ पर रात में, और रात में यहाँ पर चुन्नी बोल से भी बहुत खूबसूरत से सजाया जाता है जिसका व्यू बहुत अच्छा आता है। का दर्शन भी हो गया, वो पार्क भी घूम लिया, अभी 2-2.5 बजे के आसपास हो रहा है। अंत में और भगवान शिव से क्या मांगूंगा, भगवान शिव जी तो अंतर्यामी है, उनको सब कुछ पता है, फिर उनसे क्या मांगूंगा। जल्दी से जल्दी हमारा यूट्यूब में 100K सब्सक्राइबर करा दो। एक छोटा सा चिड़िया भी लिया हूँ, जब कभी भी मेला में जाता हूँ ना, मैं छोटा छोटा कुछ चीज ले लेता हूँ जो कि मेरा मेमोरी बन जाती है, और कुछ दिन तक मैं इसको बजा के ना सब कुछ बनाता हूँ। तो गाइस आज के वीडियो में यही खत्म करता हूँ, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।